तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है सेक्शन सी पार्ट सीबीएसई सैंपल पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने कॉपी पे सारे नोट्स बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। देखो सेक्शन 3C है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 और 30 के आंसर्स हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन 26 और 30 के अंदर शॉर्ट आंसर मिलेंगे कैरिंग 3 मार्क्स ईच, तो 3 मार्क वाले हैं, लेकिन आप देखिए 3 मार्क के 3 ही पार्ट, तो हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर हो गया, तो हमें ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन क्वेश्चन जैसे डिमांड करेगा उतना आंसर लिखना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। देखो मैंने जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाए स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो तुमने कहा उनका कलर होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, वो एलाइज फॉर्म करते हैं, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो उसी में से एक क्वेश्चन उसने पूछा, तो पहले का आंसर क्या मिलेगा फिर हमें, देखो कैटलिस्ट कौन होते हैं, हमें पता है केमिस्ट्री में वो होते हैं जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देते हैं और खुद चेंज नहीं होते। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कैटलिस्ट यूज हुए तुम्हें पता है, निकल, पैलेडियम, ये प्लैटिनम, ये सब तुम बहुत यूज कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करते हो जितनी भी रिएक्शन करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजिनेशन वगैरह के लिए, और जब अमोनिया का मैन्युफैक्चर किया था, आयरन का यूज किया था, इस तरह से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी वेनेडियम का यूज हुआ था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, सब कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट। क्यों होते हैं? एक तो ये है कि दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हमने बताया था, ये लिखना पेपर में, इसको नोट करो, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब ये कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हें पता है प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, इस तरह मैंगनीज तो प्लस टू से प्लस सेवन में गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो 3D सीरीज में मैंगनीज था, वेस्ट प्लस 8 ऑस्मियम की भी होती है, तो दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि ये जो होते हैं दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि ये जो होते हैं दे कैन प्रोवाइड ए सॉलिड सर्फेस, ये सॉलिड सर्फेस को प्रोवाइड करते हैं जिसपे एडसॉर्प्शन हो जाती है, एडसॉर्प्शन हो जाती है, तो हाइड्रोजन जब गैस होती है वो एडसॉर्ब हो जाती है उसके सरफेस पे और उसकी फिर रिएक्शन हो जाती है, तो इस तरह से हम आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन ये वाला तो आंसर हो गया पहले वाला, अब सेकंड पार्ट, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर। देखो कॉपर है, ये मेरा पहला आंसर था स्टूडेंट, अब सेकंड पर आ रहा हूं मैं। कॉपर का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं स्टूडेंट तो 29, हमें ये तो याद ही होनी चाहिए सीरीज, बार बार मैंने कहा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ 21 से शुरू होकर 30 तक एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट, तो ये 29 है कॉपर का। 29 का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं जब लिखूंगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4s1 3d10 हो जाती है, तो अगर कॉपर प्लस 1 बनेगा तो ये क्या बनेगा 3d10 आ जाएगा इसका, तो 3d10 जो है ये देखो कि कंप्लीटली फिल्ड शेल है, देख रहे हो ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 3d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड स्टूडेंट, देयरफॉर दिस इज अ कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब इसकी जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, देयरफॉर मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू रिमूव, ठीक है, फॉर द सेकंड आयनाइजेशन फॉर ऑब्टेन ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर, तो फिर इसके अंदर अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोर विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये प्लस 2 बनाना और मुश्किल हो जाएगा कॉपर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें पता है स्टूडेंट कि CR2O7 CR2O7 2-
इसका मतलब इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्रोमियम कितना है 17, ये 14 माइनस 2 प्लस 6 में है। और हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में इन एसिडिक मीडियम क्या होता है, ये फटाफट क्रोमियम 3 में चले जाता है स्टूडेंट, क्रोमियम 3 प्लस में, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता। तो Cr2O7 का यहां से यहां चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब यहां पर ये सब कौन से ग्रुप में है, क्रोमियम वाले में ही है ये। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो ये कौन सा ग्रुप चल रहा है, ये अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप देखो, ये कौन सा था, 3, 4, 5 और 6 ग्रुप के एलिमेंट है। ये क्रोमियम 6 ग्रुप में है और ये भी 6 ग्रुप में है, उसके जो नीचे आ रहे हैं क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है। ये 6 ग्रुप में है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं कि इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट। इसका क्या आंसर है थर्ड का, कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप और हैवियर एलिमेंट्स ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। सबको नोट कर लो, सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। होगा क्या कि W का मतलब ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया ना, WO3 और ये MO मोलिब्डेनम O3, ये भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया मोलिब्डेनम। तो इनकी W6 और MO6 जो है दे आर स्टेबल, ये स्टेबल हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं W6 एंड MO6 आर मोर स्टेबल ये स्टेबल है, तो फिर इनकी ये एक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर दे डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर मोर स्टेबल। वेयर एज Cr2O7 को क्या होता है स्टूडेंट, ये जो डाइक्रोमेट है ये क्या करता है, ये एसिड की मीडियम में ये रिएक्शन भी तुम्हें पता है, एसिड की मीडियम में ये क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा था ये क्रोमियम 3 प्लस में आ गया स्टूडेंट और 7H2O, और इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू भी आपको पता है कितनी है स्टूडेंट, ये है 1.33 वोल्ट। तो 1.33 वोल्ट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ये वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट आप फिर एनसीईआरटी की किताब को पढ़ सकते हो, जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाया था ये उसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने नोट किया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम एनसीईआरटी से ली गई है, आपको पता है आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे उसमें ये डायग्राम दी हुई है। ये कह रहा ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम टिटेनियम टू जिंक इन द फर्स्ट रिएक्टिव, दीज आर गिवन। तो टिटेनियम और जिंक जो है, टिटेनियम और जिंक स्टूडेंट आपने देखा होगा कि उनके उनके केसेस में क्या है, एक डायग्राम ये दी गई है, ये क्या वैल्यूज है, ये है ऑब्जर्व्ड और ये है कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये जीरो है, ये नीचे वाली नेगेटिव है ऊपर वाली पॉजिटिव है। तो 3D सीरीज का उसने बनाया, ये देख रहे हो 3D सीरीज टिटेनियम से स्टार्ट किया गया है, ये सब माइनस में दिख रही है, ये सब माइनस है, लेकिन कॉपर के केस में देख रहे हो एकदम प्लस हो गई है 0.34, और फिर ये जिंक में डाउन हुई है और ये मैंगनीज में डाउन हुई है, आप ये देख रहे हैं। तो ये ग्राफ से क्या दिख रहा है मुझे, अब इस ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में दिमाग लगाना है, सोचना स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इनको एक्सप्लेन कीजिए स्टूडेंट्स, द जनरल ट्रेंड्स टुवर्ड्स लेस ई नॉट वैल्यू अक्रॉस द सीरीज। अब कह रहा है कि ई नॉट वैल्यूज, ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव देख रहे हो, नीचे ज्यादा नेगेटिव है ऊपर कम नेगेटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव हो रही है। तो वो कह रहा है जनरल ट्रेंड टुवर्ड लेस नेगेटिव अक्रॉस, जैसे जैसे मैं सीरीज में चल रहा हूँ स्टूडेंट, तो लेस नेगेटिव देख रहे हो, पॉजिटिव की तरफ चले गए, या तो ये प्लस हो गया 0.34, ये जीरो से भी ऊपर हो गया, ये प्लस है, ये सब माइनस है, नीचे माइनस वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले का देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटोमाइजेशन एनर्जी के ऊपर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर और हाइड्रेशन एंथैल्पी।
तीन चीजों पर डिपेंड करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो ई नॉट वैल्यूज होती है, ई नॉट वैल्यूज होती है स्टूडेंट, एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। इसमें हमने क्या क्या बताया, डेल्टा एटोमाइजेशन मैंने बताई, और हमने क्या बताया डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बताई स्टूडेंट, और तीसरा डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों के ऊपर है कि किसमें, ये दोनों तो प्लस होते हैं, ये माइनस में आती है वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये अब्सॉर्ब होती है एनर्जी, ये एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, अब्सॉर्ब होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब आयंस हाइड्रेट। यही बताया था हमने आपको, और इसका हमने लेक्चर में पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया अपने यूट्यूब में, पूरा देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जनरल ट्रेंड कह रहा है कि ये लेस नेगेटिव हो रही है, लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा हो रही है स्टूडेंट पहले वाली। तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ, इन जनरल स्टूडेंट इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, इन जनरल, जनरली उसने कहा जनरल ट्रेंड कहा, उसने स्पेसिफिक नहीं कहा जनरल, क्योंकि वेरिएशन होती है। आपको पता है एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं स्टूडेंट वो डिक्रीज होते हैं, और उसके बाद में बीच में ऐसा भी आता है कि वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं और लास्ट में इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो हमने देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट का कारण था, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल ट्रेंड टुवर्ड लेस ई नॉट वैल्यू, ठीक है जनरल ट्रेंड कह रहा है, ठीक है हिसाब से आंसर लिखना है। तो वी कैन से इन जनरल स्टूडेंट, इन जनरल उसने लिखा था, मैंने भी इन जनरल लिख दिया, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट इंक्रीज, ठीक है इंक्रीज किस तरफ, अक्रॉस द सीरीज। बस इतना ही आंसर लिखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे ही मैंने आंसर, इसमें जनरल लिखा था अक्रॉस द सीरीज लिखा, मैंने वही वर्ड यूज कर दिया। तो जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएंगी स्टूडेंट, तो फिर ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी। ये देख रहे हो ये ज्यादा माइनस है, ये कम नेगेटिव हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लेस नेगेटिव हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर। अब बताओ कि कॉपर के केस में क्या हुआ कि ये पॉजिटिव हो गया, कॉपर की वैल्यू देख रहे हो, कॉपर की वैल्यू क्या दिख रही है स्टूडेंट, कॉपर 2 कॉपर की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो ये पॉजिटिव है, प्लस 0.34 वोल्ट है, बाकी सारी माइनस है और ये पॉजिटिव। अब ये बिहेवियर एक्सेप्शनल बिहेवियर है कॉपर का, यूनिक बिहेवियर, ऐसे यूनिक बिहेवियर कहते हैं, यूनिक बिहेवियर का भी कोई एक्सप्लेनेशन होगा वो हमें देना है, ये यूनिक बिहेवियर है, बाकी सब माइनस में है, कॉपर की पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर में निकली है वो कंपनसेट नहीं कर पाई एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पीज को। तो मैं ये लिख सकता हूं दैट द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+, ठीक है, इज नॉट एबल टू कंपनसेट स्टूडेंट कॉपर एस टू कॉपर टू प्लस क्या क्या यूज हुआ, एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन कौन सी, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दो ही है ना इसमें, दो इलेक्ट्रॉन निकले। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज नॉट एबल टू कंपनसेट कॉपर 2+ एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये आंसर हमें पेपर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आ सकते हैं, इसके ऊपर दिमाग लगाना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज ऑफ Mn एंड Z। अब Mn और जिंक में ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्यों आ गई है स्टूडेंट, मोर नेगेटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट कि जो Mn मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया है
मैन और जिंक है, मैन और जिंक में। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं स्टूडेंट कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। द कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा था बहुत सारे आंसर यहाँ मिलेंगे। देखते हैं Mn, मैंगनीज क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अभी मैंने सीरीज बनाई थी स्कैंडियम टिटेनियम का, मैंगनीज 25 है। इसका क्या है स्टूडेंट, 4s2 3d5। Mn2 प्लस क्या बना, 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फील्ड वाले एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा कौन सा है, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना, 30 स्टूडेंट्स। तो ये क्या बना था, 4s2 3d10। तो 4s2, तो ये क्या बन गया, Zn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, ये Mn2+ की है, ये बन गया 3d10। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है स्टूडेंट, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो फिर क्या होगा, इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन जो कम हो जाती है, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। फिर मैंने क्या लिखा आंसर, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी, Mn2+ 3d5, Zn2+ 3d10। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बिकम्स लेस, बिकम्स लो, हेंस उससे क्या होगा, फिर मोर नेगेटिव, देयर शो हेंस मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मैंगनीज, देखो ये मैंगनीज में ज्यादा नेगेटिव हो गई है, यहाँ से ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया ये वाला, ये मैंगनीज देख रहे हो, ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आ गया। और जिंक में भी देखो, ये और ऊपर जाना चाहिए था, उसके बाद ऊपर से सीधा नीचे आ गया। देख रहे हो ये Zn2+2Zn है यहाँ पर, और ये कौन सा है, Mn2+2M। तो ये वैल्यूज हमने एक्सप्लेन की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसे नोट किया जाए। कोई डाउट है तो पूछ लो, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट, डाउट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, सीधे ही सॉल्व करूंगा। आगे चल सकता हूं, बोलो, नोट कर लिया तुम, नोट कर लिया तो आगे चलते स्टूडेंट्स। आप देखो क्वेश्चन आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। 27th में मैं आ गया हूँ, और वन का क्या कह रहा है कि ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर बतानी है स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बतानी है। पहले इनका फार्मूला हमें लिख लेना चाहिए, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, NH2। एग्जाम में हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, आंसर तो मुझे एक लाइन का लिखना है, लेकिन मुझे उसको सॉल्व करने के लिए पूरा समझना चाहिए। एथनामिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2NH2, इसे एथनामिन कहते हैं। और टू इथाइल एथनामिन इसमें कुछ कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये NHCH2CH3 के लिए मैं ये होना चाहिए था एन इथाइल एथनामिन, इसका नाम क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, एन इथाइल एथनामिन। ठीक है, इसको चेंज कर लो। तो अब ये तीन हमें दिए हैं, अब बताओ कि पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर में किसकी ज्यादा होगी। देखो वाटर के अंदर किसी चीज की सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर क्या बनाता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और कहीं भी ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ, नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन के साथ ये लगे हुए हैं, हाइड्रोजन देख रहे हो। तो ये क्या बनाने वाले हैं, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले, क्या बनाने वाले, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन रहे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो आर ग्रुप ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये समझिए, ये नहीं बना सकता, जितने बड़े आर ग्रुप होंगे
उतना सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, जितने ज्यादा ये एच होंगे उतनी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अमीन है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम इसकी हाईएस्ट सॉलिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहा है, इस ये 1 डिग्री अमीन है तो ये इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए स्टूडेंट्स। तो इसकी सॉलिबिलिटी ये नंबर 1 पे आना है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 डिग्री है, इसके बाद एक ही हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने का, और यहाँ पे देखो इतना बड़ा वो लगा हुआ हाइड्रोफोबिक, ये देख रहे हो इसकी सॉलिबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, ये हाइड्रोफोबिक है, इतना फिनाइल इतना बड़ा लगा हुआ है, तो इसकी मिनिमम होने वाली है। तो ये 2 नंबर पे आएगा तो ये 3 नंबर पे आएगा सॉलिबिलिटी में। तो आंसर में मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, आंसर में क्या लिखा, ये कह रहा है इनक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा कौन है सॉलिबल इन वाटर, CH3CHNH2, उसके बाद कौन आया, ये 2 डिग्री वाला आया, आई मीन ये कौन सा है CH3CH2 स्टूडेंट्स, और ये NH आया, और ये CH2CO, और सबसे लीस्ट कौन सा आया, ये एनिलीन। ये आंसर है हमारा पेपर में, पेपर में सिर्फ आंसर लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई रोल नहीं है पेपर में, एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये ऑर्डर गलत हुआ तो फिर 0 नंबर, बस कुछ भी नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता। सेकंड क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये बॉइलिंग पॉइंट में हमने बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट में स्टूडेंट इनकी सॉलिबिलिटी कैसे होगी, बॉइलिंग पॉइंट में बताना है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक ना एक पेपर में आना ही है बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो एक तो एथनोइक एसिड है, एक एथनामीन है, एथनोन है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है। अगर मैं देखूं स्टूडेंट, अगर मैं ये देखूं CH3C OH, ये एथनोइक एसिड है स्टूडेंट, और एथनामीन दिया मेरे को, एथनामीन, एथनामीन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, CH3CH2, ये NH2 है, और एथेनॉल दिया, तीसरा कौन सा दिया मेरे को, यहाँ पर दिया है CH3CH2O। देखो कि यहाँ पर आपको बताया है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन, ये O माइनस और H प्लस लगे हुए हैं, ये आपको पता है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर, यहाँ तक ये डाइमर होते हैं, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास भी इन सबसे ज्यादा, देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन लगी हुई है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, नंबर 2 का आंसर कैसे लिखूंगा, CH3 सबसे ज्यादा, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये सही सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एग्जाम में लिखने हैं सारी चीजें लिखनी है, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा उसके रीजन मैंने 2 बताए, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मॉलिकुलर मास इसका ज्यादा है, उसके बाद अल्कोहल आएगा, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन नाइट्रोजन है, अल्कोहल अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा। तो ऑर्डर मेरे को ये लिखना पेपर में स्टूडेंट, इसका आंसर ये है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे। आगे कहता है बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने कहा था तुमने बेसिक स्ट्रेंथ पे 100% क्वेश्चन आने वाला है। अब एनसीईआरटी बुक में आप देखिए, एक मिथाइल अमीन दिए हुए हैं, एक इथाइल अमीन दिए हुए हैं, और इसके अंदर कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होते। जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी बुक खोलिए पढ़िए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर अब नहीं है, गैस फेज में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कह सकता हूं। दूसरा आपको पता है कि यहां पर क्या होता है, सॉल्वेशन हो जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होता है स्टूडेंट, और स्टेरिक फैक्टर होता है, ये स्टेरिक मतलब रिपल्शन जो बड़े बड़े ग्रुप में होती है, सब चारों को मिला के जो भी मैंने लिखा इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बना के ही बता सकता हूँ। तो 2 डिग्री तो होते हैं, एक चीज याद रखना, इनकी बेसिसिटी एक्वस में लिखा हुआ, देखो एक्वस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस में लिखा होता तो बहुत आसान है, सीधा मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लगा देता, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट,
ये जो आर ग्रुप्स होते हैं, आर ग्रुप्स का क्या होता है प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो यहाँ पर फिर हमें स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मिथाइल का यूज किया गया है, मिथाइल मिथाइल मेथनामीन है और मेथनामीन है, मिथाइल वाले हैं। मिथाइल वालों में आपको एनसीईआरटी बुक यूज कर सकते हो एक बार याद करने के लिए कि चारों का रिजल्ट क्या मिलता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है बेसिक में, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर मिलेगा। इसको नोट कर लो 2, 1, 3 मिथाइल के केस में, और इथाइल में क्या हो जाता है 2, 3, 1 इथाइल के केस में चेक कर लो एनसीईआरटी मींस का चैप्टर चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, बी केयरफुल। तो यहाँ पर फिर 2 डिग्री वाला कौन सा है, ये एन मिथाइल मेथनामीन, ये 2 डिग्री है एन मिथाइल स्टूडेंट्स, एन मिथाइल मेथनामीन ये 2 डिग्री है, दिख रहा है तुम्हें 2 डिग्री स्टूडेंट, कैसे लिखोगे CH3 NH CH3 हो गया, ये मेथनामीन एन मिथाइल मेथनामीन, इससे कम। फिर मैंने कहा कि इसके बाद 1 डिग्री वाला है वो कौन सा है, मेथनामीन। मेथनामीन का फॉर्मूला अगर तुमने एग्जाम में जैसे ही इसने लिखा, मैंने ऐसे ही लिख दिया मेथनामीन फार्मूला, देखना चाहते हो तो CH3 NH2, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है स्टूडेंट, ये 1 डिग्री अमीन है, और सबसे कम कौन सा है फिर 3 डिग्री वाला कौन सा है, एन डाइमिथाइल मेथनामीन, ये पेपर में लिखना स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया एन एन ये हो गया एन एन डाइमिथाइल मेथनामीन। इसका इस तरह से ये हमारा ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में स्टूडेंट्स। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया। ये कह रहा गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एन मिथाइल एथनामीन एंड एन एन डाइमिथाइल, एक टेस्ट बताइए जिससे कि हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें। डिस्टिंग्विश करने के लिए देखो एमीन्स के अंदर 3 टाइप के एमीन्स होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपने पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के लिए मैंने कौन सा टेस्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट टेस्ट का। फिर आ जाएगा हिंजबर्ग टेस्ट, पढ़ा था आपने स्टूडेंट हिंजबर्ग टेस्ट, इसमें क्या यूज किया था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज किया था। ये वाला एन मिथाइल एथना अमीन जो है ये 2 डिग्री अमीन है स्टूडेंट, और ये 3 डिग्री अमीन, आपको दिख रहा है एक 2 डिग्री है एक 3 डिग्री है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे पेपर में, फिर आपको पता लग गया कि 2 डिग्री जो अमीन है वो कौन सी है, एन मिथाइल है। ये है और वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, मैं कौन सा कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, तो ये जो एन मिथाइल एथना अमीन होगा स्टूडेंट ये किससे रिएक्ट कर देगा, देखो ये कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये यूज होता है, कौन सा यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम भी पूछा गया है पेपर में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये हमारा एन मिथाइल एथनामीन, एन मिथाइल, ये देखो एक मिथाइल लगा यहाँ पर, ये लगा और ये है 2 डिग्री एन मिथाइल मेथनामीन, ये 2 डिग्री अमीन है स्टूडेंट, 2 डिग्री वाले, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनने वाला है, ये आपकी बेंजीन है स्टूडेंट, ये बना SO, ये बना N और ये बना CH3। तो आप देख रहे हैं ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला टेस्ट बना, एन एन डाई मिथाइल सल्फोनामाइड्स बन जाते हैं स्टूडेंट। अब ये प्रेसिपिटेट सी पिपेट सी आ जाएगी, एक टर्मिनिटी सी निकलेगी, एक सॉलिड सा, ये सॉलिड सा होता है एन एन डाई मिथाइल सल्फोनामाइड, ये हमें टेस्ट ट्यूब में दिखेगा, ये 2 डिग्री अमीन ने दिया, और 3 डिग्री जो अमीन होती है वो रिएक्ट नहीं करती स्टूडेंट, 3 डिग्री अमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। 3 डिग्री कौन सी वाली है, 3 डिग्री एन एन डाई मिथाइल एथनामीन, 3 डिग्री वाला, इट डज नॉट गिव दिस टेस्ट।
ये टेस्ट नहीं देगा, हिंसबर्ग टेस्ट। तो यहाँ पे ये लिखना है कि हिंसबर्ग टेस्ट देगा एन मिथाइल एथनामीन, एन एन डाई मिथाइल एथनामीन डज नॉट गिव, ये वाला कंपाउंड स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये इट डज नॉट गिव, डज नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। नोट किया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा, और ये दे दे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर 1 डिग्री अमीन होता तो इसके आगे वो फिर NaOH में भी सॉल्युबल होता है, क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन अभी बचती जो एसिडिक होती है। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं बची, ये इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, ये इनसॉल्युबल होगा एल्कली। तो हिंसबर्ग टेस्ट का यूज आपको समझ में आया, इतना दिमाग लगाया हमने कि हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट याद किया जाए। एनसीईआरटी में देखो, इसको लिख के देख लो। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फॉलोड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म विद ब्रोमीन वाटर। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है स्टूडेंट, आपको पता है ये NO2 है नाइट्रोबेंजीन, अगर इसमें आपने हाइड्रोजन और पैलेडियम डाल दिया तो ये हो जाएगी रिडक्शन स्टूडेंट, और इसमें डाला है मैंने ब्रोमीन वाटर, ये बेंजीन को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप है, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, तो क्या बनने वाला 2,4,6 ट्राइब्रोमो एजिडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए पेपर में स्टूडेंट्स, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, तो ये लिखना है हमें इसका आंसर। देखो 2 स्टेप में ये हमने दिया इसका आंसर, कितने में दिया 2 स्टेप, तो रिएक्शन 2 स्टेप हमने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट, आउट ऑफ ब्यूटान वन ओल एंड ब्यूटान वन अमीन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वन। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ब्यूटान है, एक में अल्कोहल है और एक में अमीन है, तो आपको पता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, मींस में बाकी सारी चीजें सेम है स्टूडेंट्स, तो ब्यूटान वन ओल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बिकॉज ब्यूटानॉल वन ओल विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा, ब्यूटान वन ओल। तो फिर हमारा आंसर भी आ गया कि ये जो है हमने क्या लिखा स्टूडेंट, ये जो थर्ड का क्या आंसर लिखा तुमने, ब्यूटान वन ओल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटान वन एमीन स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो पानी के साथ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ब्यूटान वन ओल, ब्यूटान वन ओल ये वाला, तो ये लिखना है आंसर में, ये भी आ गया स्टूडेंट। अब एक न्यूमेरिकल आ गया एग्जाम में स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट से लिया गया है, सॉलिड स्टेट से लिया गया है, वो क्या कह रहा है, मेटल क्रिस्टलाइजेस इन टू क्यूबिक सिस्टम फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, एक ही मेटल है, मेटल सेम है, मतलब कोई मेटल एम है स्टूडेंट, उसका मोलर मास होगा सेम ही होगा, एक दो सिस्टम बनाता है वो, एक FCC और एक BCC, FCC और BCC दो बनाता है मेटल, ठीक है, whose unit length, cell length दे रखी है उन्होंने, cell length क्या होती है, a कितनी दे रखी है, 3.5 angstrom, और इसकी a1 कह रहा हूं मैं, और इसकी a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.0 angstrom। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी क्या होती है, z1, ठीक है, z1 m divided, m क्या है मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन एवोगाड्रो, ये फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला क्या बना, डेंसिटी इज इक्वल टू z2 m और
ये ए वन है और ये ए टू है, ए टू द क्यूब इंटू एन ए। एम क्या है? मोलर मास ऑफ मेटल, ठीक है। एम यहां पर सेम ही है ग्राम पर मोल में, दोनों सेम ही मेटल के हैं, पर जेड की वैल्यू चेंज हो जाती है। बीसीसी में जेड जेड की वैल्यू क्या होती है? बीसीसी में टू, और एफसीसी में जेड टू की जेड वन की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, हमने बताया था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। एफसीसी में चार है, तो ये क्या बन गया? फोर एम। अब यहाँ पे ऑंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? वन ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10-8 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं करूंगा दोनों, वैसे भी रेशो कह रहा है तो रेशो में कट ही जाएंगे, जब रेशो निकालूंगा तो कट जाएंगे, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। ए वन क्या है? 3.5 × 10-8 का क्यूब। एन ए क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, दोनों केसेस में सेम है, एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट है इसमें भी और इसमें भी। तो ये मेरा डी वन बना, तो ये डी टू क्या बन गया? ये 2 × m डिवाइडेड बाई ए टू कितना? 3.5 × 10-8 का क्यूब इंटू एन ए। अब अगर मैंने रेशियो निकालनी है, वो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज, मतलब डी वन बाई डी टू निकालना है स्टूडेंट को। क्या क्या कटा? एम से एम कट गया, मैं पहले ही काट देता हूँ। एन ए से एन ए कट गया, वो भी काट देता हूँ। ये 10-8 और 10-8 और ये 2 × 4 ये भी कटा। तो डी वन बाई डी टू फिर क्या बचेगा स्टूडेंट? ये क्या बचा? 2/3.5 द क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या बचा? ये 3.5, ये 3 था, ये इसको चेंज कर लो, ये 3 है दूसरी वाली के लिए, 3 ऑंगस्ट्रॉम दे रखी है ना, इसको चेंज कर लो 3 ऑंगस्ट्रॉम। तो ये क्या बचा? 1/3.0 द क्यूब। तो ये किसके बराबर आया स्टूडेंट? 3 × 3.5 × 2 ऊपर 2 भी है, तो 27 × 2 / 3.5 का क्यूब की वैल्यू निकालो। अब ये कैलकुलेशन रह गई, तो इसको कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आती है। ये रेशो निकालनी है, इस रेशो को निकालो स्टूडेंट, कितना आंसर आता है। अब आंसर निकालो, इंपॉर्टेंट है आंसर निकालना है। कैसे आंसर निकालना स्टूडेंट? ये वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपने देखना है कितना आएगा। अब ये कैलकुलेशन रह गई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेशन कर सकते हो। 1.26:1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कर लोगे। अब देखो कि यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसने कि दिमाग लगाना, क्वेश्चन कैसे करूंगा स्टूडेंट, दिमाग लगा, कैसे दिमाग लगाना है? देखो क्या कह रहा है कि 3 अमीनो एसिड्स आर गिवन। आपने पढ़ा था प्रोटीन्स, जब मैंने बताए थे बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर, बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर में आपने एनसीईआरटी में देखा कि जो अमीन्स होते हैं, हमने आपको 20 नेचुरल अमीन्स बताए थे और वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है स्टूडेंट, तो वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है CONH हमने वहां पर शो किया था आपको, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। ट्राईपेप्टाइड क्या होते हैं कि तीन यूनिट जो है अमीनो एसिड के, वो आपस में जुड़ेंगे, तो 2 बनेंगे बॉन्ड उसके अंदर। कितने पेप्टाइड बॉन्ड? 3 है तो 2 बनेंगे, 4 है तो 3 बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये कह रहा है कि एलानीन, एलानीन आपको पता है, एलानीन जो है स्टूडेंट, आप अपना देखिए एनसीईआरटी में आपको अमीनो एसिड्स के चैप्टर में एलानीन जो है स्टूडेंट, उसको ए से रिप्रेजेंट किया, उसका कोड क्या दिया हुआ, उसने कोड्स अगर देखूंगा, एलानीन का कोड ए है स्टूडेंट, और ये कह रहा है एस्पार्टिक एसिड, ये ए से रिप्रेजेंट किया उसने छोटा, उसका कोड जो दिया एस्पार्टिक एसिड का जो कोड दिया वो डी दिया स्टूडेंट, डी डी एस्पार्टिक एसिड है, और ये इसका फार्मूला है लाइसीन, लाइसीन का उसने जो कोड दिया वो के दिया।
तो ये तीन मेरे पास हैं अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स जो आपकी बुक में दिए, उसके फार्मूले इसने दे दिए। वो कह रहा मेक टू टाइप पेप्टाइड्स यूजिंग दीज अमीनो एसिड्स एंड मार्क द पेप्टाइड लिंक। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बताओगे, फार्मूले को समझना है, फार्मूले को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो एक चीज को याद रखो, जब मैंने बनाए थे ये एसिड, मैंने कैसे बनाए थे, मैंने जब बनाया था स्टूडेंट तो इनको कैसे बनाया था, मैंने ये कहा था कि देखो आपके पास एक तरफ COH है, एक तरफ NH2 ग्रुप, क्या है, देखो एक तरफ हमारे पास COOH है, एक तरफ NH2 है, और यहाँ पे मैंने R लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया। देखो ये एक तरीका है, एक तरीका है जिससे मैं आसानी से ये कर लूंगा, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन दिखूंगा, ये कार्बन दिखूंगा, ये वाला फाइंड करूंगा कार्बन। स्टूडेंट ये देख रहे हो मैंने स्टार लगाया, जिसके पास ये COH और NH2 है, ये दो ग्रुप को मैं अलग कर दूंगा। कहां से बॉन्ड बनने वाले हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहां से बनने हैं, यहां से और यहां से। ये वाले जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये भी तुम्हें पता है, अगर COOH होता है स्टूडेंट एक तरफ, और यहाँ पे NH और H होता है स्टूडेंट, और आगे जो भी लगा हुआ है, ये यहां से ये वाला ग्रुप निकलना है, वाटर का लॉस होना है, क्या बनेगा फिर, C(OH)। इसे ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आया स्टूडेंट्स, समझ लो, ये थोड़ा क्वेश्चन दिमाग लगा के कर लेना तो गलत हो जाए। ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये जो मैंने दिखाई है स्टूडेंट, दिख रही है आपको ये वाला, मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, आपको मैंने बताया था पेप्टाइड लिंकेज। अब इनके अंदर ये बनानी है, ठीक है, इनके अंदर कैसे बनाऊंगा भाई, अब जरा दिमाग लगाता हूं। मैंने क्या किया कि देखो ये वाला कार्बन लिया और एक COH है और एक NH2 है, मैंने इसको लिखता हूं पहले, देखो C मैंने लिया स्टूडेंट और ये H लगा हुआ है, इसके पास ये दो ग्रुप दिख रहे हैं COH और NH2। देखो बहुत दिमाग लगाना है, इसको जरा देख लो, फोकस कर लो, अटेंशन पे अटेंशन, मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, पेपर में बना नहीं पाओगे, दो नंबर जाएंगे, दो नंबर का। आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट COOH ये वाला ग्रुप, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट NH और H, मैंने लिख दिया। अब ये कार्बन के पास क्या बचा इसके अलावा स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन और एक CH3, ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगाई है और CH3 ये। देखो यही वाला मैंने बताया था, समझ में आया, ये इस तरह से मैंने लिखा, एक तरफ COH एक तरफ NH2, ऊपर R ग्रुप और नीचे है। बोलो समझ में आया, लिख पाओगे, अगर डाउट है तो मैं रुकाऊं। इसका क्या नाम है, इसकी कोड है A, ये एलानीन है। दूसरा है जिसके साथ ये जुड़ने जा रहा है स्टूडेंट, अब इसका OH है तो दूसरे का NH2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, NH2 आना चाहिए। अब मैं इसको ले रहा हूं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का ये देखो ये कार्बन है, दिख रहा है स्टूडेंट कहाँ गया, ये कार्बन है एस्पार्टिक एसिड का, ये कार्बन है और इसके साथ एक H है और ये CH है और ये दो COH और NH2 ग्रुप दिख रहे हैं स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन को पकड़ा स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने ये OH है तो मैं हाइड्रोजन NH2 ग्रुप वाला ले रहा हूँ, ये NH2 मैंने लगाया ये वाला इसका। अब ये क्या बचा, COH, इस COH को मैंने यहाँ लगा दिया स्टूडेंट, लगा दिया, ठीक है। अब क्या बचा अब यहाँ पे क्या बचा है, एक तो ये हाइड्रोजन बची है स्टूडेंट और एक ये ग्रुप बचे, तो हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिखा और COOH को ऊपर लिखा। इस ये A था मेरा, ये कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, इसका कोड है D, ये D वाला है, ये A वाला, दो तो मैंने लिखे। अब तीसरा लिखना है, ये है लाइसीन। अब यहाँ पे अगर COH है तो ये NH2 वाला ना चाहिए, पर मैं कार्बन को ढूंढ रहा हूँ, ये वाला कार्बन और ये वाले दो ग्रुप हैं स्टूडेंट। अब आसान हो,
तो ये मेरा कार्बन ये वाला, और यहाँ पे मैंने लिखी एच और एच स्टूडेंट, ये वाला एच एन एच टू लिखा, और ये मैंने लिखा सी ओ एच स्टूडेंट सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब क्या क्या बचा, एक हाइड्रोजन बची है और एक सी एच टू एन एच टू ये बचा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाई और यहाँ पे मैंने क्या लगाई सी एच टू फोर सी एच टू फोर एन एच टू। बताओ ये मैंने सही लिखे या गलत लिखे, पहले तो ये ए ये डी ये के। एलानीन एस्पार्टिक एसिड और ये है लाइसिन, बताओ सही लिखे दिख रहा। अब इसके अंदर से वाटर को निकालना है स्टूडेंट, ये वाला आपको समझ में आया बॉन्ड कैसे बनता, ये निकालना इसके अंदर से भी मैंने ये वाटर को निकालना स्टूडेंट, ये निकलेगा तो फिर लिंकेज क्या बनेगी, फिर इसका फार्मूला क्या बना, यहाँ पे ये बना एन एच टू सी सी एच थ्री एच, ये सी ओ इधर आ गया, ये वाटर बाहर हो गया, तो ये क्या बना फिर एन एच, और ये क्या बना फिर सी एच स्टूडेंट्स, ठीक है, और ऊपर क्या है इसके सी एच टू सी ओ एच, और आगे क्या है ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, और ये भी वाटर गया बाहर, तो ये क्या आया आगे एन एच, और इसके ऊपर क्या आया ये वाला सी, ये सी एच है ठीक है, और ऊपर क्या है इसके सी एच टू फोर टाइम्स एन एच टू स्टूडेंट्स, और ये अभी तीन ही सिर्फ दिखाने हैं मुझे, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो एक तो ये बन गया स्टूडेंट्स मेरा पहला आंसर, ठीक है, ये मेरा पहला आंसर है। आंसर में मैं लिख रहा हूं, एक तो मैंने ये बनाया, दो उसने कहा दो बनाने, टू लिखा है अभी एक बना है, अब एक और बनाना है। देखो ये ध्यान से लिखना, कोई गलती ना हो जाए इसमें, ठीक है, इसको एच को चाहे नीचे लिख दो ऊपर लिख दो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे का अभी एक बना स्टूडेंट, फिर इसको मैं वेट आउट हो ये बनाया मैंने, लिख गया स्टूडेंट्स, अब एक और बनाना है, अब एक और बनाना है, अब मैं क्या करूंगा बहुत आसान है, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों की सीक्वेंस को चेंज कर दूंगा। देखो ये एडी की था, ये मैंने क्या किया था ए डी और के, अब मैं डी को पीछे कर दूं एक के को आगे कर दूं तो वो क्या बन जाएगा ए के डी, तो सेकंड इस तरह से मैं और भी बना सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ। अब इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो फिर क्या बनेगा, अब इसको मैंने इसके साथ जोड़ना, देखो एन एच टू है ये सी और सी एच थ्री है ये एच है ये सी डबल बॉन्ड ओ एच स्टूडेंट सी डबल, अब इसका ओ एच इसके साथ जा रहा है ये वाटर गया, मतलब एक के साथ जा रहा है, एक के साथ लग रहा है, अब यहाँ से ओ एच और एच निकाल दिया तो ये क्या बचा स्टूडेंट एन एच, और ये क्या बचा सी, और ऊपर क्या था सी एच टू, इसके ऊपर क्या है फोर टाइम्स फिर एन एच टू है ये वाला ग्रुप है स्टूडेंट, और ये क्या लगा फिर उसके बाद ये वाला सी एच टू, और नीचे एच लगी है स्टूडेंट, और आगे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये जो ओ एच है स्टूडेंट ये किसके साथ जाने वाला है, पहला और तीसरा जुड़ गया, अब ये डी के साथ जुड़ने वाला है, ये जो सी ओ है ये जो ओ एच है इसका इसके साथ जुड़ने वाला है, तो अब इसके साथ जोड़ रहा हूं मैं, इसके साथ जोड़ रहा हूँ एन एच सी एच, और ये क्या है सी एच टू स्टूडेंट, यहाँ पे सी एच टू कितनी बार? और सी ओ ओ एच है सी ओ एच है, और आगे क्या है फिर अभी वो ऐसे कैसे ही रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये मेरा नंबर टू बन गया, ये ए डी के किया, ये मैंने ए के डी जोड़ दिया स्टूडेंट, अब ये नंबर टू बन गया। देखो ऐसे लिखना था पेपर में, एक नंबर मुझे इसका मिला और एक इसका, देखो ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने बनाया, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमें टाइम ज्यादा चाहिए इसके लिए, स्लोली करना है, लेकिन मैंने अगर सिस्टम को फॉलो कर लिया तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। अब इसका
सेकंड पार्ट है जो एक नंबर का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट एलानीन इन जीटर आयन। देखो जीटर आयन क्या होता है, अरे जीटर आयन क्या होता है आपको पता है, सेकंड पे आ गया हम। आपको पता है जो अमीनो ग्रुप, जो हमने ये बताया कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनमें एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक, तो NH3 बेसिक है वो प्रोटॉन को ले सकता है और एसिडिक ग्रुप अपना प्रोटॉन को दे सकता है, तो वो एक प्लस माइनस चार्ज बन जाएंगे स्टूडेंट, इन्हें बोलते हैं आयनिक, आयनिक बन जाएंगे, उन्हें बोलते हैं आयनिक फॉर्म और उन्हें जीटर आयन कहा जाता है। तो देखता हूँ मेरे पास किसकी बनानी है, एलानिन की। एलानिन का फॉर्मूला आपके सामने है जो मैंने लिखा था, ये आपका एलानिन है सी और मैंने लिखा एच और यहाँ लिखा आर वाला ग्रुप सी एच थ्री स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने लिखा था सी ओ ओ एच और यहाँ पर है एन एच टू, ये एलानिन है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक है, ये बेसिक दिख रहा है, ये एसिडिक है स्टूडेंट और ये ग्रुप बेसिक। तो एक प्रोटॉन यहां से निकल के यहां चले जाएगा तो क्या बनेगा फिर देखते हैं, ये एन एच थ्री प्लस हो जाएगा स्टूडेंट और ये सी एच थ्री एच और सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ माइनस होगी, ये प्लस और माइनस में सेपरेट हो गए, ये आयनिक फॉर्म बन गई इसकी, इसे बोलते हैं जीटर आयनिक फॉर्म। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जीटर आयनिक। तो हमें देखो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत सोचना है, बहुत समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने और किस तरह से हम उनके आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो क्वेश्चन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, सोचना है, समझना है और धीरे धीरे से आंसर लिखना है। अगर मैंने जल्दबाजी की और कोई शॉर्टकट यूज किया तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और फिर ये आपने नोट कर लिया है, आगे हम फिर और क्वेश्चन आंसर के सेशन आपके साथ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में वेरी कर जाएंगे। ओके देन, माय बेस्ट विशेस टू यू और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो कल क्लास करना चाहते हो तो इसी टाइम में कर दूंगा आगे। ओके सर, ओके, धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं। ओके।